सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत धुंदू के रहने वाले ग्रामीण परिवार को घर से बेघर करने के बाद समाचार संकलन के लिए गए स्थानीय पत्रकारों पर ग्रामीणों के द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मौके पर पहुंचे ग्रामीण पत्रकार पर लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई है। दरअसल ग्रामीण जग्गू राम गोपाल का परिवार ग्राम धुंदू में निवासरत है। इसका आरोप है कि गांव के सचिव सहित अन्य लोगों के द्वारा इन्हें दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करने से नाराज होकर उन लोगों ने पीड़ित के घर को तोड़फोड़ दिया है। घर में रखे सामान को भी नष्ट कर दिया है, जिससे ग्रामीण न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। वह इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए स्थानीय ग्रामीण पत्रकार मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों के द्वारा इनका विरोध करते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। आज पीड़ित मामले की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मोरना जग्गू हमन आए हैं कि भाई यहाँ रिपोर्ट करे बर हसनुखाखा कही कि हमारे धर्म में आबे तो जगह रहे देव आ नहीं तो यहाँ से हटाए देव आ नहीं तो मैं तो ग्राम धुंदू में घर बनाए हूँ, ग्राम धुंदू का सीमा में घर बनाए हूँ और पूरा ला मतलब तोड़ दी और कि तोड़े के बाद कि जा जहाँ जाना है तहाँ। देखिए, ये लुंड्रा ब्लॉक में ग्राम धुंदू है। उस धुंदू गांव में एक बरगाह परिवार पिछले 40-50 साल से काबिज था और पिछले 5 साल से वहां पर मकान बना के रह रहा था। वो उस परिवार के ऊपर ग्राम पंचायत के एक ईसाई समाज के ग्राम सचिव के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो इस गांव में हम नहीं रहने देंगे। पिछले 4-5 साल से लगातार दबाव बनाने के बाद जब ये परिवार नहीं माना तो उसका मकान को ध्वस्त किया गया, इनके साथ मारपीट की गई। गहिरा गुरु जी की फ़ोटो अनुयायी हैं ये गहिरा गुरु जी के, उनकी फ़ोटो तोड़ी गई, भगवान की फ़ोटो तोड़ी गई। ग्राम धुंदू जो है उन वहाँ के निवासी हैं जग्गू राम, उनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि इसमें उनके धर्म का परिवर्तन कराने के नाम से और वहाँ पे जो निवासी हैं गांव में सरपंच और सचिव, इन पर उसने आरोप लगाया है कि इनके द्वारा ही मेरे मकान को तोड़ा गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति इसमें जब हमने इसमें पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये जो युवक है ये अतिक्रमण करके वहाँ पर रह रहा था, जिसमें तहसील न्यायालय के माध्यम से इसमें अतिक्रमण हटाया गया है। और जो बात ये धर्मांतरण वाली जो बात है, धर्म परिवर्तन के लिए इसे दबाव बनाया गया है, ये इसकी जो शिकायत है इस पर अभी जांच की जा रही है।